राधे राधे फ्रेंड्स, ओम गम गणपते नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। सफलता के मंत्र, सक्सेस मंत्र। जीवन में प्रेम, माता पिता और गुरु के महत्व पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण? श्री कृष्ण केवल भगवान या देवता नहीं, बल्कि उन्हें युग पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। गीता में उल्लेखित उनकी बातें अर्थात उनका ज्ञान को गहन नजरे से सोचा जाए तो हम इनके ऊपर अमल करके अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। जीवन में मित्रता, प्रेम और माता पिता का क्या महत्व है, इसके बारे में क्या कहते हैं श्री कृष्ण, आइए जानते हैं। मातृ पितृ के साथ खड़े रहने वाला पुत्र। कहते हैं कि जो लोग हमें संसार में लेकर आए हैं उनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। श्री कृष्ण पिता वासुदेव और माता देवकी थीं, लेकिन उनका पालन नंद बाबा और यशोदा ने किया था। श्री कृष्ण ने हमेशा अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया। कंस का वध करके वासुदेव और देवकी को स्वतंत्र कराया। कृष्ण ने जन्म देने वाले और पालन करने वाले माता पिता को बराबर सम्मान दिया। माता पिता का सम्मान करने वाली संतान हमेशा सुखी रहती है। श्री कृष्ण माता पिता के बारे में कहते हैं कि आपकी सफलता कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती यदि व्यक्ति अपने माता पिता का आभार व्यक्त नहीं करता है। अपने गुरु को माता पिता के समान रखने का भाव। श्री कृष्ण ने गुरु संदीपन से शिक्षा ग्रहण की थी। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु संदीपन और गुरु माता ने श्री कृष्ण से अपना खोया हुआ पुत्र दक्षिणा में मांगा था। उनका पुत्र मर चुका था, लेकिन श्री कृष्ण अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए यमराज के पास गए और गुरु के पुत्र को वापस लेकर आए। इतने बड़े राजकाज को संभालने के बाद भी श्री कृष्ण ने अपने गुरु के लिए न केवल वक्त निकाला बल्कि उनकी इच्छा भी पूरी की। मोह और प्रेम में अंतर। श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं, इनमें से 8 प्रमुख थीं। श्री कृष्ण के दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्रेम और शांति बनी रहती थी। कहा जाता है कि 16,000 रानियों को श्री कृष्ण ने नारकासुर से मुक्त कराया था। इसके बाद उन्होंने सभी के सम्मान की रक्षा के लिए उन्हें आश्रय दिया। वही 8 रानियों के प्रेम को महत्व देते हुए वो सभी का सम्मान करते थे। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति प्रेम और मोह के अंतर को जानता है वे कभी भी प्रेम में निराश नहीं होता है। मित्रता में सब समान होते हैं। अर्जुन, सुदामा और श्रीदामा श्री कृष्ण के प्रमुख मित्र थे। जब जब श्री कृष्ण के मित्रों पर कोई मुसीबत आई तब तब श्री कृष्ण ने उनकी हर संभव मदद की। श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी कहते थे और हर कदम श्री कृष्ण ने द्रौपदी की मदद की। ऐसे में श्री कृष्ण ने कभी भी किसी मित्र की पृष्ठभूमि देखकर अपनी मित्रता को नहीं बदला। श्री कृष्ण के अनुसार मित्रता में मित्र का व्यक्तित्व ही उसका गुण होता है। मित्र को प्रेम के साथ सम्मान देने के बारे में भी श्री कृष्ण कहते हैं। महाभारत के मैदान में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बहुत कुछ सीखा। ठीक वैसे ही आज के युग में भी सभी लोगों को अपने से श्रेष्ठ लोगों से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। श्री कृष्ण भी अर्जुन को अपनी गलतियों से सीखने का ज्ञान देते रहते थे। किसी भी काम को करने के लिए अनुशासन की बहुत ज़रूरत होती है। कृष्ण ने भी व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का मंत्र दिया है। भगवान कृष्ण की बुद्धि को सभी जानते हैं, इसलिए इन्हें कूटनीतिज्ञ भी कहते हैं। आज के समय में भी सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता। ऐसे में आपको अपने विरोधियों से निपटने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए। राधे राधे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे, धन्यवाद।